Hello my dear children, this is Shikha Arora and today we are going to start with class 8 science, chapter number 10, that is sound. So let's get started. The main aim of this chapter is how sound is produced, how sound travels, characteristics of sound, types of sounds, musical instruments, noise. Have a look on warm up. Look at the picture of the musical instrument given below. Write the name of each instrument in the blank A and part of instrument that is responsible for producing sound in blank B. तो आपको यहाँ से identify करना है कि ये कौन सा musical instrument है और किस part से sound जो है वो produce होती है. So this is your homework, you are going to do it just like first one. First one में क्या है? ये एक guitar है. और guitar कैसा instrument होता है? ये एक stringed instrument होता है. ऐसे ही दिस इज अ ड्रम. सो ड्रम जो है वो एक परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट होता है एंड दिस इज फ्लूट जो कि एक विंड इंस्ट्रूमेंट है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ चिल्ड्रन, हमें जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, सिमिलरली साउंड भी जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. तो हमारे जो कानों तक आवाज़ पहुंचती है, हम जो सुनते हैं वो क्यों सुन पाते हैं? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स. एयर पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से हम कोई भी आवाज़ को सुन पाते हैं. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स डेली. कितने सारी साउंड्स हम सुनते हैं. कुछ हमारे कानों के लिए बहुत अच्छी लगती हैं हमें सुनने में और कुछ ऐसी होती हैं जो हम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, जैसे कि शोर. शोर में आप क्या करते हो? अपने दोनों कानों पे हाथ रख लेते हो ना, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू हियर दैट साउंड. दैट इज अनप्लेजेंट साउंड. वी कैन रिकोगनाइज साउंड इवन विदाउट सीइंग देम. तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम ऑलरेडी हर साउंड से फेमिलियर होते हैं, जैसे कि डोरबेल है तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है कि क्या डोरबेल बजी है. आप सुन के ही बता सकते हो कि यस इट इज़ अ साउंड ऑफ अ डोरबेल. या टीचर जब क्लास में बोल रही है, कौन सी टीचर आके क्लास में क्या क्या वो कह रही हैं, वो हम ऑलरेडी आंखें बंद करके भी बता सकते हैं क्योंकि सबकी जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है. साउंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट. तो अगर हमें अपनी बात किसी से कन्वे करनी है, किसी से कोई भी बात कहनी है, तो वो हम किसके थ्रू कहते हैं? साउंड के थ्रू ही कहते हैं. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि साउंड प्रोड्यूस जो होती है वो होती है थ्रू वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स. तो जब तक ये वाइब्रेशंस नहीं होंगी तब तक हमें साउंड सुनाई नहीं देगी. तो इस वाइब्रेशंस को फील करने के लिए आप क्या कर सकते हो? Put your fingertip in front of your throat. What do you feel? Now touch it again when you speak. तो आप अपने fingertips को अपने throat पे रखेंगे और उसके बाद उसको feel करेंगे और फिर आप कुछ बोल के देखोगे. तो क्या देखोगे? आप महसूस करोगे कि हमारी जो fingertip है वो कोई उसको some vibrations feel होती हैं जब हम बात कर रहे होते हैं. सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मेक साउंड. तो बात भी बिल्कुल सही है कि साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से. और वाइब्रेशंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ऑब्जेक्ट. सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड. एवरी टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस बाय समथिंग इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी. लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो आप इस एक्टिविटी में क्या करोगे? टू प्रूव दैट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस क्रिएटेड इन अ मीडियम. चिल्ड्रन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो साउंड है इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती. अगर हम वैक्यूम में साउंड सुनने की कोशिश करें तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी. साउंड हमेशा एक मीडियम में ही ट्रैवल करती है. मटीरियल रिक्वायर्ड अ मेटालिक रूलर. टेक अ मेटालिक रूलर एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल टॉप such that 15 centimeter of the ruler projects out from the edge of the table. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि थोड़ा सा आप ruler जो है table से बाहर की तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ से आप अच्छे से उसको seal कर लेंगे with another hand. Place one hand on the ruler. Now with the other hand gently press
द प्रोजेक्टिंग एंड डाउन वर्ड्स एंड रिलीज इट क्विकली. ये तो फन गेम है, ये तो आप घर पे भी करके देख सकते हो. आप एक रूलर लो और उसे टेबल के पास अच्छे से फिक्स कर लो एक साइड से, और थोड़ा सा उसको बाहर निकाल लो, और अब क्या करो उसको प्लग कर दो. सो वॉट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि जो रूलर है वो वाइब्रेशंस शो करेगा, वो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो हमें देखने को उसमें मिलेगा. यू विल सी दैट द मेटालिक रूलर वाइब्रेट्स एंड एट द सेम टाइम साउंड इज हर्ड. तो हमें यहाँ पे एक फेंट सी साउंड भी सुनाई देगी. दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस जेनरेटेड बाय द ऑब्जेक्ट. तो जितने ये वाइब्रेट, जितनी तेजी से ये वाइब्रेट करेगा उतनी ही साउंड हमें ज्यादा सुनाई देगी. द साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग हर्ड. अ वाइब्रेशन इज अ रैपिड टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आगे पीछे या ऊपर नीचे जो ये मूवमेंट शो करता है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, वही जो है जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. तो आपने क्या किया था, आपने रूलर को प्लग करा था, तो वो क्या, उसने कैसा मूवमेंट शो किया, टू एंड फ्रो मोशन. एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि उसने ऑसिलेशंस शो करी थी, इसीलिए इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. Vibrations can be produced by plucking stretched strings such as in guitars, sitar and violin. तो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी गिटार देखा हो तो उसमें गिटारिस्ट क्या करता है, he plucks the string. तो वो string को use करके sound produce करता है. Striking the stretched membrane as in drum, tabla and dholak. Vibrating an air column as like in flute. Turning fork. Now children, what is a turning fork? Turning fork होता है एक U-shaped की metallic device होती है which is used to produce sound. इसके दो arms होते हैं जिनको हम बोलते हैं prongs. ठीक है, तो turning fork से भी it is an instrument जिसको अगर हम strike करते हैं तो ये vibrations produce करता है along with sound. A tuning fork is a U-shaped metallic device used to produce sound. Its two arms are known as prongs. तो ये दोनों के दोनों arms जो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, they are called as prongs. They are supported by a stem in the center. When the prongs are struck on a rubber pad, they start vibrating. तो जब हम इसको किसी चीज object से strike करते हैं तो इसके जो ये prongs हैं ये vibrations show करते हैं. As the tuning fork vibrate, it produces sound. ये काम आप अपने घर में भी कर सकते हो. रोटी बनाने वाला चिमटा है ना आपके घर में, तो उसको अगर आप स्ट्राइक करते हो तो आप क्या देखते हो कि वो भी टू एंड फ्रो मोशन शो करता है. इट इज सेट इन टू वाइब्रेशंस और उससे आपको साउंड सुनाई देगी. एक्टिविटी टू, टू शो दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड साउंड एंड वेव्स इन वॉटर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेना है सामान, ट्यूनिंग फोक चाहिए, रबर पैड, बीकर एंड वाटर. तो आप एक काम करोगे, एक बीकर लोगे और उसको वाटर से फिल कर लोगे, वहीं आप एक ट्यूनिंग फोक लोगे और उसको रबर पैड पे स्ट्राइक करोगे, तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लगेंगी. अब यही वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को आप वाटर के पास लेकर आओ तो यू विल बी एबल टू सी रिपल्स इन वाटर. वाटर के अंदर भी आपको वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देंगी. Strike a tuning fork on a rubber pad and bring it close to your ear. Observe what happens. Now touch the vibrating tuning fork to surface of water in a beaker or glass and observe the result. When the vibrating tuning fork is brought close to ear, you will hear a faint sound. When the vibrating tuning forks are touched to water surface, you will notice ripples produced in the water. Vibrations produce sound and waves in water. How sound travels? Now sound जो है ये हमें पता है vibrations की form में travel करती है. अब हमारे अगर हम दो लोग communicate कर रहे हैं, अगर दो people हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या present है, उनके बीच में present है air के particles. So ये जो vibrations हैं ये कहाँ travel करते हैं, ये air के particles के through travel करते हैं और दूसरे इंसान के कानों तक पहुँचते हैं. Vibration causes waves in the air. तो ये किसे travel कर रहे हैं, by forming waves, which is how sound travels to our ears. To understand this better, let's take an example of loudspeaker.
तो अगर बच्चों यहाँ पर हमारा कान है और यहाँ अगर लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर में क्या हुआ, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, तो उसने क्या किया, जो एयर पार्टिकल्स थे, वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाते हैं और बाकी के एयर पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर हो गए। सो जो एयर पार्टिकल्स क्लोज आए, इनको तो हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जो पार्टिकल्स दूर हो गए इनको हम बोलेंगे रेरिफैक्शन। अब क्या हुआ कि रेरिफैक्शन हो गया, अब ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने इन वाले पार्टिकल्स को प्रेस किया, सो अब ये पार्टिकल्स क्लोज आ गए और इधर के पार्टिकल्स दूर हो गए। ऐसे कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन बनते जाते हैं जब तक कि साउंड हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टेंट कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। When a loudspeaker is switched on, a membrane within the speaker undergoes backward and forward movement or vibration. This motion induces vibration in air molecules surrounding the loudspeaker. If we conceptualize the air molecule as small spheres, a sound wave propagating through air alternately compress these spheres and they separate them. The region where they come together is termed as compressions, while the areas where they move apart are called as rarefactions. तो यही rarefactions और compressions जो हैं ये बनते जाते हैं, जिसकी वजह से sound जो है हमारे कानों तक पहुंचती है। The given figure illustrates a dramatic representation of propagation of sound wave as generated when a drummer strikes a drum. As sound wave propagates, the molecules themselves do not move. भाई ऐसा तो नहीं है कि molecules move कर रहे हैं, molecules तो सिर्फ अपनी mean position पे to and fro motion show कर रहे हैं, they are oscillating about their mean position. The molecules themselves do not move from one point to another, they only vibrate about their mean position. It is the effect that propagates and reaches your ears. Sound needs a medium for propagation. Children, as we have already discussed, sound जो है कभी भी vacuum में travel नहीं कर सकती. Sound को travel करने के लिए medium चाहिए ही, चाहे वो solid medium हो, चाहे वो liquid medium हो, चाहे वो gaseous medium हो. But sound cannot travel in vacuum. Since sound waves propagates due to vibration of neighboring air particles, it is clear that sound requires a medium for its propagation. Thus, we can say that sound cannot travel in vacuum. Let's perform the following activity to understand the propagation of sound through various mediums. So, children, we'll see an activity 3 here. So, iska main aim kya hai? To investigate that sound needs a medium to propagate. Iske liye hame kya kya chahiye? We require an alarm clock, a glass bell jar and a vacuum pump. तो हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर अलार्म क्लॉक के अंदर एक अलार्म सेट करेंगे, उसके बाद हम इसे एक बेल जार से ढक देंगे और इस बेल जार में जितनी भी एयर है उसे हम इस वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। अब जब ये अलार्म बजेगा तो क्या ये हमें अलार्म सुनाई देगा? नहीं, ये अलार्म हमें नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ की सारी एयर जो है वो एक्सपेल आउट कर दी थी, तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसकी वजह से साउंड हमें सुनाई नहीं दी। सेट एन अलार्म ऑन द अलार्म क्लॉक एंड कवर इट विद अ बेल जार। ऑब्जर्व इट फ्रॉम आउटसाइड, यू विल बी एबल टू हियर द अलार्म रिंग एट द सेट टाइम। नाउ सेट द अलार्म अगेन एंड अटैच अ वैक्यूम पंप टू द जार। एज द क्लॉक स्टार्ट्स रिंगिंग, बिगिन रिमूविंग द एयर इनसाइड द जार विद वैक्यूम पंप। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, यू विल ऑब्जर्व दैट द एयर इनसाइड द जार इज रिमूव्ड, द अलार्म sound starts to fade and eventually no sound is heard. तो हमें कोई भी sound नहीं सुनाई देगी। अब आवाज़ fade क्यों हुई थी? आवाज़ इसलिए fade हुई थी क्योंकि अभी पूरी की पूरी air जो है वो vacuum pump से बाहर नहीं निकल पाई थी। This happens because air molecules are sucked out by the vacuum pump. In the absence of air molecules, the sound cannot propagate and reach our ears. Hence we conclude कि sound जो है it requires a medium for its propagation. Now see another activity, children, to investigate that sound can travel through solids. ये तो आप easily देख सकते हो। कैसे करेंगे इसे हम?
प्लेस वन ऑफ योर ईयर ऑन द टेबल एंड क्लोज द अदर विद योर हैंड. तो आप अपना एक कान जो है वो टेबल से लगाएंगे और दूसरा कान जो है अपने हाथ से ढक लेंगे. आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द टेबल. तो क्या आपको साउंड सुनाई देगी? बिल्कुल सुनाई देगी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है. यू विल एबल टू हियर द साउंड थ्रू द ईयर प्लेस्ड ऑन द टेबल. We conclude that sound can travel through solids like metal and wood. Another activity, children, to investigate if sound can travel through liquid. तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या sound जो है वो water में भी travel कर सकती है, being a liquid medium. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक alarm clock, एक plastic bag, string and a bucket of water. तो इसका procedure है, टेक अ अलार्म क्लॉक एंड रैप इट इन साइड अ प्लास्टिक बैग. इसे हम अच्छे से प्लास्टिक बैग में बंद कर देंगे, नहीं तो ये गीली हो जाएगी और खराब हो सकती है. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द माउथ ऑफ द बैग एंड आस्क समवन स्टैंडिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम यू टू होल्ड इट बाय द स्ट्रिंग. कैन यू क्लियरली हियर द साउंड ऑफ द अलार्म क्लॉक ट्रिंकिंग? यस, हमें सुनाई देगी. नेक्स्ट, टेक अ बकेट फिल्ड विद वॉटर. प्लेस योर ईयर अगेंस्ट द साइड ऑफ द बकेट. साइड, बिल्कुल बकेट की साइड में आप अपना कान लगा लोगे और फिर उस अपने फ्रेंड को कहोगे कि इस बैग को लोअर करो वाटर के अंदर. क्या अब आपको साउंड सुनाई देगी? बिल्कुल हमें साउंड सुनाई देगी. तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू लिक्विड मीडियम. नाउ हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रन. फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पास से sound is produced when a body, yes, tell me the answer, you all know it very nicely. The first answer is vibrates. When we touch a source of sound, we can feel the vibrations. Aap vibrations ko feel kar sakte ho. A rapid back and forth movement of a body about central position is called vibrations. Perception of sound. We have just gained an understanding of how sound vibrates originating from a source, travel through the air and ultimately reach our ear. तो हमें यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा कि कान का structure कैसा होता है कि sound जो है हमें सुनाई देती है. तो अगर हम अपने ear का structure देखें तो it is internal structure of ear. It is divided into three parts. Outer ear, which you can see, which is called as ear pinna. Outer ear हमें दिखाई देता है. Then we have a middle ear and last में present होता है inner ear. The ear can be categorized into three main parts: outer ear, middle ear and the inner ear. तो जो outer ear है ये हमें visible है. ये वही part है जिसको हम बोलते हैं pinna. And it is the one which collects all the vibrations. जो भी हम कुछ सुनना चाह रहे हैं उसकी जितनी भी vibrations हैं सारी हमारे ear pinna जो है या outer ear है ये pick करता है और कहाँ भेजता है? Middle ear में. The visible portion of the outer ear is known as pinna. The pinna gathers the sound waves and guides them towards the ear canal. तो ear canal कहाँ पे present है? Ear canal हमारे middle ear में present है. Located at the end of the ear canal is eardrum, also referred to as tympanic membrane. तो यही वो eardrum होता है जहाँ पर vibrations जो है ये strike करती हैं. तो eardrum का दूसरा नाम क्या है? It is tympanic membrane. When the sound waves make contact with the eardrum, it vibrates, facilitating the transmission of sound to the middle ear. तो अब क्या हो रहा है कि जो ये vibrations हैं ये कहाँ pass की जाती हैं? मिडल ईयर में. द मिडल ईयर इज अ कैविटी. अब यहाँ पर प्रेजेंट होती है तीन बोन्स. सबसे छोटी बोन्स जो हमारी बॉडी की हैं वो है हमारी ईयर बोन्स. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है मिडल ईयर में. दीज बोन्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे मूव व्हेन द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स. तो जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है ये तीनों की तीनों बोन्स जो हैं ये मोशन में आ जाती हैं, ट्रांसमिटिंग द वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर. तो यही वो तीनों बोन्स हैं जो कि वाइब्रेशंस को कहाँ से उठाती हैं? हमारे ईयर ड्रम से उठाती हैं और कहाँ भेजती हैं? इनर ईयर में. इनर ईयर इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. अब इस ओपनिंग में फिल्ड होता है एक फ्लूइड और यही वो फ्लूइड है जो वाइब्रेट करता है और जो कान में इनर ईयर में जो टाइनी हेयर्स होते हैं ना
वो कैसे होते हैं, वो फंक्शन में आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, इन वाइब्रेशंस को वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में चेंज कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भेजी जाती हैं ब्रेन को किसके थ्रू, थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। When this fluid vibrate, it excites the tiny hairs in the inner ear. These hairs transform the vibrations into electrical impulse, which are then transmitted to brain through auditory nerve. This is how we hear sound. तो फिर brain उसको interpret करता है, वापस से हमारे effector organs तक sound को भेजता है, and we are able to hear the sound. Speed of sound. Now children, हमने अभी बात की कि जो साउंड है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक लाइट। तो लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ 3×10^8 मीटर पर सेकेंड इन एयर। और अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड की जो स्पीड इन एयर होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एयर। We have learned that sound waves cannot travel in vacuum, but they can travel through a material medium. कौन कौन से medium में travel कर सकती है? Solid में भी कर सकती है, liquid में भी कर सकती है, और gases में भी कर सकती है. During a thunderstorm, जब thunderstorm होता है तो सबसे पहले हमें lightning दिखती है, बिजली कड़कती है, तो सबसे पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखती है, sound जो है वो बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ऐसे ही जब हम कोई एक्सप्लोसिव फायर करते हैं तो सबसे पहले हमें फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है और बाद में हमें साउंड सुनाई देती है। फ्रॉम दीज फिनोमिनन्स वी कैन कंक्लूड दैट स्पीड ऑफ लाइट इज मच फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, वो है सिर्फ 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन लाइट की कितनी थी, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। इसीलिए जब बिजली कड़कती है तो हमें पहले लाइट दिखती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई लाइट इज सीन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, sound is heard much later as demonstrated in the above example. So we know that speed is equals to distance upon time. So similarly speed of sound kya ho jayega? Distance travelled by the sound upon time taken. Now see the first example children. A cracker is burst as a distance of 500 meter from a person. After how much time will the sound be heard? So hume pata hai speed of sound in air kitni hai? 330 मीटर पर सेकेंड है और हमें डिस्टेंस इन्होंने दिया है 500 मीटर्स। तो हम इसे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, स्पीड की जगह पे हम स्पीड रख देंगे, डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस, एंड सो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट आउट द टाइम विच इज 1.5 सेकेंड्स। तो इतने टाइम बाद हमें साउंड जो है वो सुनाई देगी। एग्जाम्पल टू चिल्ड्रन, अ गन वॉज फायर्ड 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अ पर्सन, द टाइम टेकन फॉर द साउंड टू रीच The person was 8 seconds. Find the speed of sound. Now children, here the distance is given in kilometers. लेकिन SI unit of distance क्या होती है? Meters. इसीलिए आप पहले kilometer को meter में change करोगे by multiplying 2 with 1000. तो ये आ जाएगा हमारा 2000 meter. Now time कितना लगा है हमें? 8 seconds. अब इसे हम अपने formula में put कर देंगे. So it will be 2000 upon 8. Which comes out to be 250 meter per second. तो हमारी speed of sound क्या आई है? Speed of sound comes out to be 250 meter per second. The speed of sound in different medium is different. जैसे कि अगर हम steel की बात करें तो उसमें speed of sound कितनी है? 5000 to 7000. Copper में है 3700. Air में है 330 to 345. Water it is 1500. ग्लास में है 5000 और डायमंड में है इट इज 12000 मीटर पर सेकेंड। इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स, साउंड प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। वी हैव ऑलरेडी नो दिस कि अब जो हमारी साउंड है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट अलोंग अ वेव एंड दीज वाइब्रेशंस आर टर्म्ड एज ऑसिलेशंस, और दे ऑसिलेटरी मोशन ये शो करते हैं। To understand the characteristics of sound waves, let's first study some important terms related to them.
तो आप ये देख सकते हो साउंड कैसे ट्रैवल कर रही है, साउंड ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, इट मेक्स क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। अब अगर हम बात करें कि यहां से बी से लेके एफ तक की बात करें तो ये है एक वेवलेंथ, इसी से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। नाउ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, बी से लेके डी तक में जा रही है, सो ये बी से लेके यू तक का जो डिस्टेंस है या डी से लेके वी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज रेफर्ड टू एज एम्पलीट्यूड। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन। तो मीन पोजिशन तो ये रही, मीन पोजिशन पे ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। सो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बी से लेके यू तक का डिस्टेंस एंड डी से लेके वी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजिशन एंड दिस इज रेफर टू एज एम्पलीट्यूड। द पॉइंट बी एंड डी आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन, हेंस बी यू एंड डी वी रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। The amplitude of the wave is measured in meters. The same unit as length is meter. Now, what is time period? The time taken by a wave to traverse one wavelength. तो आपने देखा wavelength कहाँ से थी? Wavelength है from point B to point F. ये जो time period लगा wave को B से F तक आने में, this is referred to as time period. It is denoted by the symbol T and is measured in seconds. Frequency, the number of oscillations completed by a medium particle in 1 second. कितनी वो number of oscillations complete करती है in 1 second is called as frequency. इसीलिए frequency का formula होता है number of oscillations upon time period और इसकी unit होती है hertz. A frequency of 1 hertz mean 1 oscillation per second. If an object or particle oscillates 10 times in 1 second, तो उसकी frequency क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 hertz. SI unit of frequency is hertz. और ज़्यादा बड़ी है, जब हम frequency की बात करते हैं, तो it is kilohertz, which is equals to 1000 hertz. Relation between frequency and time period, children. फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस इन 1 second. तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है. कैसे हैं? टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/time period. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. The two main characteristics of sound, that is loudness and pitch, कितनी तेज आवाज है और कितनी shrieky आवाज है, ये हम पता लगा सकते हैं by the loudness and the pitch of the sound, which are determined by the amplitude and frequency of a wave. अगर हम loudness की बात करें तो loudness depends upon amplitude. जितना ज्यादा amplitude उतनी ज्यादा loudness. इसका मतलब क्या है कि जो loudness है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. तो आप देख सकते हो कि अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो हमारी लाउडनेस जो है वो अपने आप से बढ़ जाती है. अगर हम एम्पलीट्यूड को 2 times बढ़ाते हैं तो लाउडनेस 4 times हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव. When amplitude is high or large, the sound produced is loud. When amplitude is low or small, the sound produced is feeble. और loudness को हम किस में measure करेंगे? इसको हम measure करेंगे decibel में. Loudness is directly proportional to the square of amplitude of the vibrations producing sound. तो loudness जो है वो directly proportional है. ये directly proportional का sign है. So loudness is directly proportional to amplitude का square. तो अगर हमने एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव को डबल किया तो हमारी लाउडनेस जो है वो 4 decibel से इंक्रीज होगी. नाउ सी एन एक्टिविटी चिल्ड्रन. प्लेस अ पिंग पोंग बॉल ऑन अ ड्रम. बीट द ड्रम फर्स्ट लाइटली एंड देन बीट इट हार्ड. व्हाट डू यू नोटिस? एनी डिफरेंस इन द जंपिंग पैटर्न ऑफ द बॉल? यस, हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि जब हम ड्रम से प्रोड्यूस करते हैं लाउडर साउंड तो जो बॉल है वो हायर जंप करती है.
This shows that there is greater displacement of the ball with harder drum. This shows that loudness of the sound depends on amplitude. वहीं बच्चों अगर हम पिच की बात करें तो पिच जो है डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, जितनी ज्यादा पिच उतनी श्रिलनेस आएगी वॉइस में. If the sound produces high frequency, it is said to have high pitch and it is called shrill. तो वॉइस कैसी कहलाएगी? श्रिल. जैसे कि आप गर्ल्स की आवाज देखते हो तो उनकी वॉइस कैसी होती है? हाई पिच साउंड होती है. हाई पिच का मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, इसीलिए उनकी जो वॉइस होती है उसमें श्रिलनेस होती है. Conversely, if the sound has low frequency, और अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी कैसी हो जाएगी? पिच भी लो हो जाएगी. और ऐसी पिच साउंड को हम बोलते हैं ग्रफ. तो जनरली फीमेल की वॉइस जो होती है वो श्रिल होती है और मेल्स की वॉइस जो होती है वो क्वाइट डीप होती है, जिसको हम ग्रफ भी बोलते हैं. Thus, pitch is the measure of shrillness or loudness of the sound. Sound produced by musical instruments can be adjusted to suit different requirement. तो भाई हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में उसको साउंड को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट टू रेज द पिच और टू रेज द लाउडनेस बाय एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड. इन केस ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स अ हाई और लो पिच साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज शॉर्ट और लॉन्ग. तो भाई हमें पिच को चेंज करना है तो हम जो उसका स्ट्रिंग है उसको या तो हम लंबा कर सकते हैं या उसको छोटा कर सकते हैं या उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं या हम उसको लूज और टाइट भी कर सकते हैं. द स्ट्रिंग आर थिन और थिक, द स्ट्रिंग्स आर टाइटेंड और लूजेंड. क्वालिटी ऑफ टिम्बर. चिल्ड्रन अगर हमारे सामने कोई हमारी आंखें बंद कर दे और हमारे सामने गिटार प्ले करे और वहीं कोई एक आके सितार प्ले करे तो क्या आप बता नहीं सकते कि कौन सी साउंड गिटार की है और कौन सी साउंड सितार की है? यस, आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. क्यों? क्योंकि दोनों की क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट है. इसे ही हम बोलते हैं टिम्बर. When we play notes of same pitch and loudness on sitar and a guitar, we can distinguish their sounds. अब आप ये देखो कि दोनों की साउंड में पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, फिर भी हम उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि एक साउंड जो है वो गिटार से आ रही है और दूसरी साउंड सितार से आ रही है. ऐसा क्यों? Because of the quality of the sound called as timbre. This is due to the quality of sound produced by instrument which allow us to tell them as apart. It is this quality of sound that enable us to recognize your friend's voice even when you cannot see him or her. अगर हम अपने रूम में बैठे हैं और बाहर से अगर हमें कोई आवाज लगाता है तो हम easily distinguish कर सकते हैं कि वो आवाज किसकी है. क्यों? क्योंकि हम उसकी जो quality of sound है वो हमें पता है. Thus quality Sound quality or timbre is the characteristic of sound that allow us to distinguish between two sounds of same pitch and loudness. We will study this characteristic of sound more detail in higher class. So now children, there is difference between loudness and pitch. तो जैसे हमने अभी बात करी, loudness किसके ऊपर depend करती है? Loudness depends upon amplitude. Loudness is directly proportional to amplitude का square. लेकिन वहीं अगर हम पिच की बात करें तो पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द पिच. लो फ्रीक्वेंसी, लो इज द पिच. लाउडनेस डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती. लेकिन पिच जो है, अगर पिच जो है इट डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो पिच कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी और वॉइस हो जाएगी श्रिल. और वहीं अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो वॉइस हो जाएगी लो पिच साउंड एंड इट विल बी कॉल्ड एज ग्रफ. लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स इन यूनिट टाइम. मोर एनर्जी रिसीव्ड, मोर लाउडर अ साउंड. पिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर. Now have a look on Clickipedia children. Galtrin's whistle is a special type of whistle that is inaudible to humans. तो ये एक ऐसी whistle है जो humans नहीं सुन पाते हैं when blown but can be heard by dogs. These whistles are used by police to guide their or train their dog squads. Have a look on track your progress children.
Tick the correct option. See the first one. Loudness of the sound. Loudness किसके ऊपर depend करती है? Now you all know the answer. Tell me fast. It is amplitude. The pitch of sound is determined by its frequency. SI unit of frequency is hertz. Now let us learn about audible and inaudible sounds. Children, हमें पता चला है कि जो sound है वो कैसे produce होती है? By the vibrations. लेकिन हमारे कानों को सारी की सारी आवाजें सुनाई नहीं देती. हमारे कानों को सिर्फ वही आवाज सुनाई देती है जिसकी रेंज होती है फ्रॉम 20 hertz टू 20,000 hertz. सिर्फ इसी वैल्यू की, इसी रेंज की जो साउंड है ये हम सुन सकते हैं. बिलो 20 hertz भी हमें ऑडिबल नहीं है और अबव 20 hertz भी हम सुन नहीं सकते. इसीलिए ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज 20 hertz टू 20,000 hertz. The sound which is audible to us range between 20 hertz to 20,000 hertz and that is called as audible sound. And the sound which is below 20 hertz and above 20 hertz which is inaudible to human ears, which human ears cannot hear, is called as inaudible sound. Although it is true that all vibrating bodies produce sound wave, can you hear all of them? No. Because our ears are sensitive to a specific range of frequency, that is from 20 hertz to 20,000 hertz. This range is called audible range and the sound within this range is called as audible sound or sonic sound. Sound with frequencies less than or higher than this range cannot be detected by humans. Such sounds are called as inaudible sound. तो inaudible sound अब दो टाइप की हो गई, एक तो जो कि below है 20 hertz के और एक जो above है 20 hertz के. जो below 20 hertz की sound होती है इसको हम बोलते हैं infrasonic. क्या बोलते हैं इसको हम? Infrasonic sound और subsonic sounds. और sounds जिसकी frequency higher होती है 20,000 से उसको हम बोलते हैं ultrasonic sounds. However, certain animals, अब कुछ animals ऐसे हैं जैसे कि dogs है, bats है, they have the ability to hear very high pitch sound, that is ultrasonic sounds. Ultrasonic sounds ये लोग सुन सकते हैं. Dolphins भी ultrasonic sounds को detect कर सकती हैं. Application of ultrasonic sounds. Ultrasonic sounds वो होती हैं जो कि above 20,000 hertz की होती हैं. They are inaudible to human ears. But हम इसको use कर सकते हैं various technologies में. Like, ultrasonic waves are used to study the growth of fetus in women's uterus through ultrasonography. तो ultrasonography या जिसको हम ultrasound भी बोलते हैं, उसके अंदर भी हम क्या use करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं टू शो द ग्रोथ ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर्स वूम. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर होमोजेनाइजिंग ऑफ मिल्क. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट फ्लॉज इन मेटल्स एंड स्ट्रक्चर्स. जितने बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं उनके बीच में कोई कहीं कोई क्रैक तो नहीं, कोई क्रिवाइस तो नहीं, कोई रॉक अटक तो नहीं गई है, तो उन सब को चेक करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं. The most important use of ultrasonic wave is sonar. Sonar का क्या मतलब होता है? Sound navigation and ranging. तो इसके अंदर क्या होता है? हम ship के through sonar waves को, ultrasonic waves को पानी के अंदर भेजते हैं. और जहाँ पर भी कहीं obstacle होता है या कहीं कोई fish present है जो हमारे ship को नुकसान पहुँचा सके, उससे waves जो हैं टकरा के वापस आती हैं और हमें पता चल जाता है कि कोई आइसबर्ग तो नहीं है पानी के नीचे या कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज सोनार, विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सबमरीन्स, आइसबर्ग, संकन शिप्स एंड टू मैप सी बेड्स. सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन रेंजिंग. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. चिल्ड्रन, म्यूजिक जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव्स इन ऑर्डरली मैनर. जब हमें साउंड वेव्स ऑर्डरली मैनर में सुनाई देती हैं तो वो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं. प्लेजेंट साउंड जो है वो क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं म्यूजिक. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस प्लेजेंट साउंड्स. टू प्रोड्यूस गुड साउंड वन मस्ट लर्न टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सो दैट साउंड ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैन बी प्रोड्यूस्ड. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ
स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, जिसमें हम स्ट्रिंग्स को एडजस्ट करते हैं, या तो हम उनको लंबा कर सकते हैं, छोटा कर देते हैं, या थिक कर देते हैं उसके स्ट्रिंग को, या लूज कर देते हैं, इवन टाइट कर देते हैं, और उसे हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स. इन स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग मेटल स्ट्रिंग. मेटल स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड लेंथ आर यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स. अ गिटारिस्ट प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड्स बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाय प्रेसिंग देम एट डिफरेंट पॉइंट्स विद वन हैंड एंड देन प्लकिंग द स्ट्रिंग विद अदर हैंड. देन वी हैव विंड इंस्ट्रूमेंट्स. विंड इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनके अंदर से एयर को ब्लो करते हैं, जस्ट लाइक बांसुरी जिसको हम फ्लूट भी बोलते हैं. अगर आपने बांसुरी देखी हो तो उसके ऊपर अलग अलग जगह पर छेद होते हैं, होल्स आर प्रेजेंट. तो जो भी म्यूजिशियन है जो इस फ्लूट को प्ले करता है वो उसके होल्स को ही, किसी होल को प्रेस करता है, किसी होल को खोलता है, तो बाय दिस ही इज एबल टू प्रोड्यूस द प्लेजेंट नोट्स. विंड इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड थ्रू वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर. फॉर एग्जाम्पल वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोड्यूस बाय मॉडिफाइंग द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन अ फ्लूट. दिस इज अचीव्ड बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द होल्स. देन वी हैव परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स. परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि तबला, ड्रम, जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन्हीं मेम्ब्रेन्स को हम स्ट्राइक करके क्या कर सकते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. दे प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग अ मेम्ब्रेन विच इज स्ट्रक विद फिंगर्स और पाम्स. डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज. तो म्यूजिक कैसा होता है, म्यूजिक प्लेजेंट होता है, लेकिन नॉइज जो होती है ये इरिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग होती है. इट इज प्रोड्यूस बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशंस इन अ मटीरियल. लेकिन नॉइज जो है ये प्रोड्यूस होती है बाय इररेगुलर वाइब्रेशंस इन अ बॉडी. द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज सडनली. लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी में चेंज सडनली. नॉइज, तो चिल्ड्रन नॉइज क्या होती है, नॉइज होती है अनप्लेजेंट साउंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है. लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज रेफर्ड टू एज नॉइज. इट कॉजेज डिस्टर्बेंसेज एंड अलाउंस. द लाउडनेस इज यूजली अबव 80 डेसिबल्स. जब हमारी साउंड की जो लाउडनेस है वो 80 डेसिबल्स को क्रॉस करती है देन द साउंड इज रेफर्ड टू एज नॉइज. साउंड प्रोड्यूस बाय वेरियस मशीन्स, ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स, चिल्ड्रन येलिंग या लाउड स्पीकर्स जो होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइज. तो नॉइज से क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है. द डिस्टर्बेंसेज कॉज्ड इन द एनवायरमेंट बाय लाउड और हार्श साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. अगर आप सड़क पे जा रहे हो और वहां पर बहुत सारे आप देखते हो जैम लगा हुआ है और गाड़ियों में से लोग हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, क्या वो आपको अच्छा लगेगा, आपके कानों को वो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा. सो वो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉइज पोल्यूशन. मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इंक्लूड रोड ट्रैफिक, एयर एंड रेल ट्रैफिक, नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक नॉइज लाइक टीवी, किचन अप्लायंसेस अमंग ऑफ अदर्स. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, भाई अगर हम ऐसी आवाजें बार बार सुनते रहेंगे तो हमें हाइपरटेंशन हो सकती है, जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर. सिर में दर्द की समस्या हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एंजाइटीज, नींद नहीं आएगी, एंड मैनी अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स. सडन एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल्स कैन कॉज परमानेंट डेफनेस. तो अगर हम एकदम से बहुत तेज आवाज की तरफ हमारे कान जो हैं अगर इन्फ्लुएंस में आते हैं तो इट कैन लीड टू परमानेंट डेफनेस ऑफ आवर ईयर्स बाय रप्चरिंग ऑफ द ईयर ड्रम. हाई नॉइज कैन कॉज हार्ट अटैक एंड इवन डेथ. इसीलिए हमें आराम से बात करनी चाहिए, किसी से भी तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेज आवाज जो है इट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन. मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं उन सब में साइलेंसिंग डिवाइस होनी चाहिए ताकि वो अननेसेसरी का नॉइज जो है वो क्रिएट ना कर सकें. यूजिंग नॉइजी appliances like amplifiers or loudspeakers should be away from the residential area. इन सब का यूज जो है ये दूर होना चाहिए अपने आसपास के घरों से. And hospitals,
मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स, हमें अननेसेसरली ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न्स को ब्लो नहीं करना चाहिए। टीवी भी अगर हम घर में चला रहे हैं तो उसकी साउंड जो है हमें वो लो रखनी चाहिए। रेडियो एंड म्यूजिक सिस्टम एट लो वॉल्यूम्स, तो इनकी वॉल्यूम भी हमें कम ही रखनी चाहिए क्योंकि ये हेल्प करेगा हमें टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। फैक्ट्रीज शुड बी स्टेप अप अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज, ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में साउंड क्रिएट होती है उन्हें भी रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर ही कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। साउंड अब्सॉर्बिंग मटीरियल्स लाइक कर्टन्स एंड कुशन्स यूज्ड इन द होम्स कैन मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, तो हम हाई मतलब मोटे से पर्दे यूज कर सकते हैं, कुशन्स यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग रोड साइड्स हेल्प रिड्यूस नॉइज एज दे एक्ट एज बफर्स एंड अब्सॉर्ब साउंड, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ट्रीज जो हैं वो हमें नॉइज पोल्यूशन को कम करने में भी हेल्प करते हैं। हियरिंग इम्पावरमेंट, चिल्ड्रन हियरिंग इम्पावरमेंट रेफर्स टू पार्शियल और टोटल इन अबिलिटी टू हियर, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही सुन नहीं पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या एक्सीडेंट की वजह से भी लोग पार्शियल सुनने में सक्षम नहीं होते हैं। सम पीपल आर अफेक्टेड बाय टोटल हियरिंग इम्पावरमेंट फ्रॉम बर्थ, पार्शियल हेयरिंग इम्पावरमेंट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज इंजरी और एजिंग, सच इंडिविजुअल्स नीड स्पेशल केयर, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद दीज इंडिविजुअल्स लर्निंग साइन लैंग्वेज इज असेंशियल, तो हमें इनसे साइन लैंग्वेज हम उनकी लर्न कर सकते हैं ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें। वेयरिंग वेरियस हेयरिंग एड डिवाइसेज, आजकल मार्केट में बहुत सारी हेयरिंग एड डिवाइसेज भी प्रेजेंट हैं जिसको लगाकर लोग कानों से आराम से सुन सकते हैं, लेकिन ये टोटल डेफनेस में यूज नहीं हो सकता, ये सिर्फ पार्शियल इम्पावरमेंट में ही यूज होगा। वी मस्ट ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द लिविंग एनवायरमेंट फॉर दीज इंडिविजुअल्स एंड हेल्प देम लीड अ नॉर्मल लाइफ। हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रन। एक्सेसिव नॉइज अराउंड अस कॉज, क्या कॉज करेगी ये नॉइज पॉल्यूशन, आप यहाँ पे पॉल्यूशन लिखेंगे। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन, नेविगेशन रेंजिंग। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड चिल्ड्रन, अगर हम किसी बड़े खाली रूम में खड़े हों और उसमें हम किसी का नाम लें तो क्या होता है, हमें हमारी साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके सुनाई देती है, ऐसी साउंड को हम बोलते हैं एको। या हम किसी माउंटेन एरिया में जाएं और वहां जाकर हम जोर से चिल्लाते हैं तो हमें अपनी साउंड दोबारा से सुनाई देती है, इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम बोलते हैं एको। और एको बनाने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है वो होता है 17 मीटर्स का। You might have heard your own sound repeating when you are in an empty room. The children, the room should be empty. अगर वहाँ पे सामान पड़ा होगा तो echo form नहीं होगी. Why? Because all the material will act as the sound absorbers. The same phenomena occurs in the mountain valleys. This repetition of sound is called an echo. When sound waves hit an obstacle such as wall or a mountain, they reflect it from the obstacle. This is known as reflection of sound. The phenomenon of echo occurs due to reflection of sound waves. It has been found that echo can be heard only when the minimum distance between the source of sound and reflecting surface is about 17 meters. So, itna distance agar nahi hai, to echo form nahi hogi. Sometimes, due to successive reflections of sound from various reflecting surfaces, an echo is heard multiple times. और जब हमें एको बार बार सुनाई देती है तो उसे हम बोलते हैं रेवरबरेशंस। क्या बोलेंगे उसे हम? रेवरबरेशंस। रेवरबरेशन कॉज डिस्टर्बेंसेस, तो ये डिस्टर्बेंसेस कॉज करती हैं, इसीलिए हमें इनको मिनिमाइज करना होता है। नाउ वंडर बॉक्स चिल्ड्रन, हेनरिच हर्ट्ज अ जर्मन फिजिसिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू शो दैट रेडियो वेव्स वर रिफ्लेक्टेड बाय मेटालिक ऑब्जेक्ट। This was the beginning of radar. Radar is an object detection system. It can be used to determine
डिस्टेंस, पोजिशन, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप, मोटर व्हीकल्स और साइक्लोनिक क्लाउड्स. हैव अ लुक ऑन कीवर्ड्स चिल्ड्रन. द फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन. एको, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेफिनेट डिस्टेंट सर्फेस. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 second. इंफ्रासोनिक साउंड, साउंड विद फ्रीक्वेंसी बिलो 20 hertz. ऑसिलेशन, 1 complete टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट मेन पोजिशन. सोनिक साउंड, द साउंड विद फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 hertz टू 20,000 hertz. टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर 1 complete ऑसिलेशन. अल्ट्रासोनिक साउंड, साउंड विद फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 hertz. वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस इन अ साउंड वेव. नाउ हैव अ लुक ऑन रिव्यूज ऑन चिल्ड्रन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स. नाउ यू नो द आंसर, इट इज 20 to 20,000 hertz. What determines the loudness of sound? It is the amplitude which determines the loudness of sound. In which of the material the sound of speed of sound minimum? Kisme hoti hai minimum? It is in air. Loud noises that continue for a prolonged period can cause high blood pressure, sleeplessness, deafness, all of these. Sound does not travel in vacuum. Have a look on fill in the blanks. All unpleasant and undesirable sounds are known as noise. आप यहां पे noise लिखेंगे. A drum is a percussion. Type of musical instrument. The dash separates outer ear from the middle ear. कौन सेपरेट करता है? Ear drum. Sound needs a medium. Medium to travel. The speed of sound in air is 330 meter per second. State whether the following statements are true or false. Sound can travel in vacuum? No, it is false. For human ears, the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz. Yes, this is true. Noise pollution may cause partial hearing impairment. Yes, bilkul. When harmonium is played, the sound is produced due to vibration of its membrane. नहीं, हम इसमें क्या play करते हैं? हम इसमें buttons को play करते हैं. So this is false. The higher the pitch of a sound, the shriller the sound is. Yes, it is true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.